है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। हमारे बहुत अच्छे दोस्त बड़े भाई, एक बहुत ही कद्दावर व्यक्तित्व, एक भूतपूर्व भारत सरकार के बहुत कर्मठ मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, उससे ज्यादा एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक फ्रेंड ऑफ सोसाइटी, ऐसा शानदार, जानदार, दमदार और दिलदार हमारे हरमोहन धवन जी। मैं प्रेम गर्ज से, प्रेम जी से आज्ञा लेकर मैं अपने दोस्त छोटे भाई और अपनी पार्टी के नहीं बल्कि अपनी समाज के भी, या मैं कहूं देश के जन लोगों में से जिन्होंने अपनी कर्मठता से, अपनी शक्ति से, अपनी राष्ट्रभक्ति से इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित किया और भी इतने कम दिनों के बीच में, ऐसे मेरे भाई भगवंत मान जी, प्रेम गर्ग जी का जिक्र किया और यहां के हमारे अपने परिवार के तमाम सदस्यगण, जितने भाई और बहनों, मेरे देर से आने के बावजूद अभी तक इस प्रेम के साथ जो टिके हुए हैं, प्रेम गर्ग जी के साथ साथ मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपकी जय जयकार करता हूं। भारत माता की जय की उद्घोषणा के साथ साथ मैं उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा के हेतु अपने प्राण निछावर किए, आज पूरा देश शोकाकुल है, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और साथ ही साथ आज पूरा देश गुस्से में है और आक्रोश में है। मैं उन वीर शहीदों के शहीदों को भी और उनके परिवार को भी संवेदना देता हूं और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धा के सुमन मैं तमाम अच्छी कोशिश और नियत के बावजूद यहां समय पे नहीं आ सका। इतने नेक कार्यक्रम है, रचनात्मक कार्यक्रम है, सही मानों में ये इलेक्शन की रैली नहीं है, इलेक्शन के दिन की घोषणा होने वाली है और उसके बाद माहौल बदल जाएगा क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं कि जरा माहौल तो बदले, घोषणा तो हो जाए, उसके बाद फल प्राप्ति अपने आप हो जाएगी आपको। लेकिन आज की घड़ी जो है ये मिलन की घड़ी है, अपने परिवार के साथ मिलने की घड़ी है और खासकर जैसे पंचायत की घड़ी होती है, पंचायत की घड़ी है जिसमें हम अपने तमाम लोगों के साथ बैठकर देश की सब बातों पे, जो देश में हो रहा है, जो हुआ है, जो होना चाहिए, इन बातों की समीक्षा करते हैं। मैं अभी अभी सुन रहा था हरमोहन धवन जी को, उसके पहले भगवंत मान जी को। आप में से कुछ लोग ये जरूर सोचते होंगे कि मैं यहां कैसे हूं, मैं अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हूं, अभी तक तो पार्टी ने मुझे निकाला नहीं है और ना ही पार्टी मैंने छोड़ी है। ये बात अलग है कि हमेशा सुनता रहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का या इस बार शत्रुघ्न सिन्हा जी को टिकट नहीं मिलेगी, अरे उनको टिकट नहीं मिलेगी, बहुत हो गया, टिकट नहीं मिलेगी। मैं उस मुद्दे पे बाद में आऊंगा, लेकिन इतना कह दूं कि सिर्फ यही कहने से काम नहीं चलेगा कि शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलेगी। अगर ये कहना है तो फिर ये भी कहने के लिए तैयार रहना चाहिए कि शत्रुघ्न सिन्हा आपसे टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे, उनको कोई टिकट की कमी नहीं है। आप लोगों का साथ है, आप लोगों के प्रति भक्ति है, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूं। मैं हमेशा मानता रहा हूं कि पार्टी से बड़ा व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर मैंने जो बातें की हैं वो जनहित में की है, देश के हित में की है, किसानों के लिए की है, रोजगार के लिए की है, गरीबों के लिए की है, मजदूरों के लिए की है, अपने देश की महिलाओं के लिए की है, तो इसका माने कि मैंने हर पार्टी के भले की बात की है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। मैं हमेशा साथ देता हूं। मैंने कितनी बार कहा
कि भारतीय जनता पार्टी का तो अवश्य हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं भारत की जनता का हूं। भारत की जनता ने मुझे बनाया। अगर आज रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीतकर आता हूं या पूरे देश में वोट शेयर परसेंटेज अगर सबसे ज्यादा आपके अपने भाई का है तो इसका माने कि मेरी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके प्रति है। मैं लोकशाही में और तानाशाही में अंतर समझता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अगर उनके वक्त में लोकशाही थी तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक माहौल जो दिख रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि आज तानाशाही चल रही है। अचानक रातों रात तुगलकी फरमान, अचानक रातों रात घोषणा कर देते हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए, बगैर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात किए हुए, बगैर भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी का आशीर्वाद लिए हुए, पूरे मुरली मनोहर जोशी जी पर दरकिनार करते हुए, इतने बड़े अर्थशास्त्री भारत के स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी को दरकिनार करके, अरुण शौरी जैसा परम विद्वान, उनसे बगैर राय मशवरा किए बगैर, कैबिनेट में बगैर राय मशवरा किए बगैर, यहां तक लोग कहते हैं वित्त मंत्री को भी नहीं बताया गया और अचानक रातों रात आपने नोटबंदी की घोषणा कर दी। कभी सोचा उसका क्या असर पड़ा होगा? कितने छोटे छोटे व्यापारी तबाह हो गए, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, और तो और पूजा के मंदिर में पुजारियों पे क्या गुजरी, हमारे अपने गुरुद्वारे में लंगर तक पे जो जीएसटी लगाया और लंगर के उसमें दान दक्षिणा की क्या हालत हुई, इसे भी समझना पड़ेगा नोटबंदी से। और सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा कि हमारे घर की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपने पति से भी छुपा के मगर अच्छी नीयत से, अपने पिता से भी छुपा कर मगर अच्छी नीयत से सालों साल जो पैसा जमा करती रही, तकिया के नीचे, अलमीरे के पीछे, वो पैसे जमा करती रही अपने परिवार के ही दवा दारू के लिए, परिवार की ही शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जरूरत के मन, जरूरत के घड़ी में उनको संभालने के लिए वो अचानक रातों रात देश का करोड़ों करोड़ों रुपया हवा हवाई हो गया। कभी सोचा किसी ने ये जोश की राजनीति की, कितनी फैक्ट्री बंद हो गई, कितने हमारे मजदूर जो है पलायन हो गया, छोड़ के चले गए, आपने नोटबंदी कर दी? अरे लोकतंत्र है, कलेक्टिव डिसीजन करो। जो भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, न कभी सोची करने की, वो आप एक रात में कर दिया। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने, प्रोफेशनल्स ने, अर्थशास्त्री लोगों ने कहा ये गलत कर रहे हो, इससे बहुत नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान को छुएगा। प्रॉमिस तो कर दिया कि रोजगार दोगे आप, हर साल 2 करोड़ युवकों को, नौजवानों को, 2 करोड़ नहीं लाखों में, लाखों भी लाखों का सपना ही पूरा नहीं हो सका और लोग बेकार हो गए, बर्बाद होने लगे, त्राहिमाम स्थिति हुई। अभी लोग सड़कों पे आ गए अपना ही पैसा निकालने के लिए, वहां दम तोड़ने लगे, हार्ट अटैक होने लगा, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। जिल्लत की जिंदगी सड़कों पे आके, एटीएम के बाहर, बैंकों के आगे, अभी इनसे उभर भी नहीं पाए थे कि नीम पे करेला और सीधे जीएसटी की घोषणा कर दी। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, ऐसा जीएसटी जिसे समझने वाला अच्छा अच्छा फेल हो गया। लोग कहते हैं जीएसटी से एक ही का फायदा हुआ और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का फायदा हुआ और किसी का फायदा नहीं हुआ, जीएसटी ने बर्बाद कर दिया। व्यापारियों को सूरत में, गुजरात में, जगह जगह लोग दुकानें बंद हो गई, कितनी बार हिसाब किताब लिखेंगे,
अमेंडमेंट साल में 365 दिन होते हैं। आपको सुनकर कितना ताज्जुब होगा, साल में 365 दिन होते हैं और एक साल के अंदर ही अमेंडमेंट जो थे जीएसटी के वो 368 से ज्यादा हो चुके। रोज बदलाव, पहले बैठ के बात नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया था जीएसटी का तो उन्होंने खुद किया था, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे भरपूर विरोध किया था। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, ये जो भी कांड हुआ कुछ दिनों पहले का वीडियो दिखाया जा रहा है, ये जो पुलवामा मुआब बॉर्डर के उस पार से होता है, इधर होता है उधर होता है, किसके लिए सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे सज्जन पुरुष को, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए इन्होंने, हमने भी देखा और आपने भी देखा है। पूछ रहे थे कि आरडीएक्स कहां से आता है, आप प्रधानमंत्री हो आप जवाब दो, ये राइफल्स असॉल्ट राइफल्स कहां से आते हैं, ये आरडीएक्स डब्बा भर भर के कैसे आता है, बॉर्डर की जिम्मेदारी आप पे है। सारी बातें आज जो हुई हैं, ये चंद साल पहले खुद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी से पूछा जा रहा था, आज इनसे पूछा जाए तो कैसा लगेगा। और लोग पूछ रहे हैं कि आप तो आप हैं प्रधानमंत्री, इतना बड़ा कांड कैसे हो रहा है। अभी मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, अभी देश की जनता एक है। अभी शोक की घड़ी में या आक्रोश की घड़ी में ये जो हुआ है, हम अभी सरकार के साथ हैं और मुखिया के साथ हैं। अभी आप साहसिक कदम लो, सामयिक कदम लो, जल्द से जल्द कदम लो, और क्या कदम ले रहे हो जनता को उसको बताते जाओ, क्योंकि ईमानदारी और पारदर्शिता, सच्चाई और पारदर्शिता दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी है। जो आप कम का काम कर रहे हो सच्चाई से, तो पारदर्शिता के साथ करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ करो। आज आप उनसे सवाल कर रहे थे कल, और आज आपसे सवाल हो रहा है, इसे कहते हैं बूमरैंग। भगवान न करे इससे आपको किसी किस्म की कोई छाती पे धब्बा लगे, लेकिन बहुत नाजुक मामला है, ये देश का मामला है। और उसी देशवासियों के साथ एक तरफ नोटबंदी कर देते हो आप, एक तरफ जीएसटी कर देते हो आप, एक तरफ आप खुल के रफाइल पे जवाब नहीं देते हो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आप दोषी नहीं हैं। जब तक आप खुलकर उन बातों का जवाब नहीं दे दें कि 3 गुना दाम कैसे हुआ रफाइल जहाज का, 126 खरीदना था 36 क्यों खरीदा गया, दाम बहुत ज्यादा हुआ, एचएएल जो हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है जिसने सुखोई हवाई जहाज वगैरह बनाया, इतने बढ़िया बढ़िया हवाई जहाज बनाए, उसको दरकिनार किया गया, उसको हटा के उसकी कीमत पे आपने रफाल को ले लिया। किस लिए लिया, किनको फायदा पहुंचाने के लिए किया लिया, कितना फायदा पहुंचाया। मैं सच्चाई और पारदर्शिता की बात करता हूं, ये भी फर्ज बनता है आपका, इस बातों पे आप आज, आप तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी है कि जो बातें उनको बताई गई थी सही तौर पर नहीं बताई गई थी, ऐसा दिखता है, इसलिए आज रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है, इसलिए इन बातों का जवाब दे दो। अंग्रेजी में कहते हैं निप द बर्ड इन द बिगनिंग, शुरू में ही जवाब दे दो तो बाकी सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दोगे, अगर आप बाकी बातें नहीं बताओगे, तो फिर जनता तो वही कहेगी जो कह रही है, हे चौकीदार। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं, लेकिन लोग कहेंगे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लोग कहेंगे, इसलिए खुलकर कह दो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा इलेक्शन की सभा नहीं है इसलिए, लेकिन कुछ देश के लोकतंत्र की बात हो रही, देश का सिस्टम जिस तरह से डगमगा रहा है, इसलिए जब ऐसी बातें होती हैं तो मैं आप लोग की तरफ देखता हूं, मैं देखता हूं देश का बहुत ही ईमानदार और होनहार, बहुत ही चहेता, बहुत ही साफ सुथरा जेंटलमैन पॉलिटिशियन,
अरविंद केजरीवाल को देखता हूं, मैं बहुत कदर करता हूं अरविंद केजरीवाल की, मैं बहुत कदर करता हूं अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की, देश की पार्टी, देश की आम जनता की पार्टी, मैं बहुत कदर करता हूं। और इसीलिए भगवान मान जी से पूछो, अरविंद जी से पूछो, जहां जरूरत पड़ती जब जब उन्हें बुलाते हैं तब तब मैं उनके साथ जाता हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की और लोगों को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। और ऐसे भी मेरा मानना है, जो वहां से मैंने बात शुरू की थी कि मैं यहां कैसे दिख रहा हूं, यहां आम आदमी की पार्टी है, पहली बात तो ये कि आम आदमी की पार्टी है वो हमारे भारतवर्ष के ही आम आदमी की पार्टी है, इस विदेश की पार्टी नहीं है, हमारे देश की पार्टी है। और ये बहुत अच्छी पार्टी, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ईमानदारी के साथ, चरित्र के साथ, कैरेक्टर है इन लोगों में। और उनमें जो आप हमारे भाई और इतने कद्दावर व्यक्तित्व हरमोहन धवन जी शामिल हुए हैं, तो मैं समझता हूं आम आदमी और हरमोहन धवन जी दोनों के लिए ये चोरी दारू का संबंध बन जाएगा। इसके बाद आप जो काम करेंगे, जो कर रहे हैं ऐसे ही बहुत होगी इनमें, लेकिन अब जो काम हुआ दोनों का मिलके वो सोने पे सुहागा जैसा होगा, गजब का होगा। और एक बात और भी है, देश की आम आदमी पार्टी है और साथ ही साथ भारत के अंदर का विपक्ष है। मेरा ये मानना है कि जो मेरे विरोध में है या जो मेरे विपक्ष में है, या विपक्षी पार्टी है, वो कोई दुश्मन नहीं है हमारा, वो कोई दुश्मन नहीं है। हम मुद्दों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन कभी भी मतभेद हो मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने भारत की पार्टी, हमारा अपना विपक्ष है तो इसी समाज का ही, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भैया है, किसी का बेटा है तो उसी समाज का, तो दुश्मन कैसे हो सकता है। सब देश के भले की बात कर रहे हैं, देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, देश की आन बान और शान की बात कर रहे हैं। इसलिए इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, और कोई रोके और कोई टोके तो बोल दो खामोश, ये हमारे अपने हैं। और खासकर केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स में कौन लाया, हमारे ही जैसे लोगों ने इन पर टॉन्ट करना शुरू किया। ये तो पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, ये तो बहुत सज्जन लोग, बहुत बढ़िया लोग, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग, लेकिन अलग अलग दलों के लोगों ने कहना शुरू किया, अरे क्या वहां रामलीला ग्राउंड में बैठ के बात करते हैं केजरीवाल, बाकी उनके लोग आम आदमी, अगर हिम्मत है तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, अगर हिम्मत है तो स्टेडियम के अंदर आए, अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़ के दिखाए। तो हिम्मत पे चुनाव लड़ ली इन्होंने, और उनकी हिम्मत गई जैसी की तैसी हो गई, यानी 70 सीटों में भूतो न भविष्यतो, 70 सीटों में 67 सीट अपने पॉकेट में कर लिया, और तीन आदमी की पार्टी रही जो जीत गई, बाकी तीन एक स्कूटर पार्टी हो गई, एक स्कूटर पर बैठा, एक चलाने वाला, दो पीछे बैठने वाला, बस ये है ऑपोजिशन, ये है आपका करामात, और ये है आप आदमी का जादू जो सर चढ़ के बोलता है। इसलिए अभी हम लोग सब साफ है, देश की प्रगति का सवाल है, आप मुझको देखते हैं, मेरी कई बातों से आप सहमत हो या सहमत नहीं हो, वह इतना तो मानेंगे कि आज तक आपने कभी किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार का, किसी किस्म का कोई आरोप मुझ पर नहीं सुना होगा, इतना तो मानते होंगे आप, अगर इतना मानते हैं तो आप ताली बजा ही दीजिए कि हाँ मैं कभी नहीं आपसे बात करता हूं। वहां पर लोग कहते हैं अच्छा अच्छा इनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ऐसी बातें कर रहे हैं, अरे मोटिव डाल देते हैं, प्रचार तंत्र के पास में, मीडिया तंत्र पे भी जादू किया हुआ, घेरा हुआ है मीडिया को। आज बहुत सारी बातें हमारी आपकी आनी चाहिए नहीं आ पाती है कि मालिकों के ऊपर दबाव बनाया उन्होंने, मंत्री बन के क्या कर लेंगे, अभी वो तो बात बहुत पुरानी हो गई। मैंने तो कह दिया कि जा गई चिंता गई, मनु आबे परवाह, जागो कछु न चाहिए वही शहनशाह, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमारे लोगों का, हमारे देश की जनता का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का भला करो, उनके अंदर खुशहाली पैदा करो, उनको लड़ाओ भिड़ाओ मत, उनको एकता के साथ एकता का पाठ पढ़ाते हुए देश को आर्थिक उन्नति की ओर लेकर चलो। और हमें कुछ नहीं चाहिए, और ऐसे भी मंत्रीगण कितने हैं, आज आपसे ही कहा जाए कि भारत सरकार के 5 मंत्री का नाम बताओ तो आप 2 के बाद ही लड़खड़ा जाएंगे। आप कह देंगे भैया नरेंद्र मोदी जी वो तो मंत्री नहीं प्रधानमंत्री है, दूसरा आप कह देंगे अमित शाह जी मंत्री नहीं है वो तो प्रेसिडेंट पार्टी के, तीसरा आप कह देंगे हाँ हमारे अरुण जेटली जी है या राजनाथ सिंह जी है, उसके बाद आप ढूंढने लगे और कौन है ढूंढने लगेगा। आपसे ही पूछा जाए देश का हेवी इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। बहुत से पूछ गए एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, वो नहीं बता पाएगा। जरा सोचिएगा मेरी बातों, मेरा अपना कुछ में लेना देना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी अभी सामने आए तो खुलकर आए, एक गुट एकजुट होकर आए। किसी की सत्ता जागीर नहीं है, सत्ता में आप किसी को सहानुभूति के आधार पे सत्ता में नहीं रोक सकते हैं, न टिके रहने दे सकते हैं। परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए, किया क्या है आपने, क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं, सिर्फ देश विदेश का भ्रमण करते रहते हैं या जगह जगह से कोई अवार्ड की घोषणा करवाते रहते हैं, वो अवार्ड जो लोगों को पता भी नहीं कौन सा अवार्ड है ये करवाते रहते हैं, या वाकई आप युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, किसानों को उनके मूल्य का उनके फसलों का उचित दाम दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, ये सब कहना इसलिए नहीं कि हम अगली बार भी दिल से कहो फिर से यहां से मन की बात थैंक गॉड आज खत्म हुई, अब हम लोग दिल की बात कर सकते हैं। अभी तक तो मन की बात में घेरा हुआ था, अब दिल की बात। और दिल की बात ये है कि परिवर्तन हमारा नियम है जीवन का, परिवर्तन धर्म है, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। अगर आपके सामने आज इतने अच्छे लोग, आप आदमी के लोग, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, भगवान मान जी, प्रेम गर्ग जी और हमारा अपना कद्दावर दमदार शानदार जानदार मिलनसार और बहुत ही प्यारा और न्यारा हमारा हरमोहन धवन भाई यहाँ सामने है, तो आइए इन लोग को सपने भरे लगाते हुए इनके साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ाएं एक नई दिशा की ओर, एक नई दिशा की ओर, मगर सही दिशा की आगे बढ़े। मैं इसी कामना शुभकामना मनोकामना के साथ आज आपके यहाँ इकट्ठा आया हूँ। धूप बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा से बैठे हुए, मैंने भी वादा किया था कि मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए आज इस घड़ी में एक शेर कह दूं कि जब मैं सामने आता हूं शायद आप में और खास युवाओं को भी ये शेर बहुत अच्छा दिखेगा कि आबरू पे आंच आए अगर, आबरू पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। इसी घड़ी में आपका साथ दे रहा हूं और आपका आम आदमी पार्टी, आप हमारा परिवार, आप हमारा समाज, कभी भी कैसे किसी भी रचनात्मक सृजनात्मक काम हो जिसमें हम लोग एक फुट एकजुट होकर कुछ कर सके तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं चलते चलते एक चीज और कह दूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मंदिर मस्जिद के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, मैं कहता हूं हाथ जोड़कर मंदिर मस्जिद जिसको करना है बनाना है बनाए, मैं उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी जीवन की प्राथमिकता है मानव मंदिर का निर्माण, मानवता का निर्माण, जिसमें स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, लॉन्ग लाइफ है, खुशहाली है, एकता है, यानी कि मानवता है, उसी मानव मंदिर के निर्माण के लिए आप
आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं हर हाल में आपका हूँ, आपका था और आपका रहूंगा। और यकीन मानिए जब भी आप याद करेंगे मुझे आप अपने पास पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सब जिंदाबाद, आपका घर बार व्यापार परिवार जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद और हम सबों की पार्टी, सबकी पार्टी अपने अपने सब जिंदाबाद। जय बिहार, जय पंजाब, जय हरियाणा, जय हिमाचल और जय हिंद। रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।